मैं हूं सुशांत बीएचयू से बाबू। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं विलोम शब्द, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विलोम शब्द। मैं आज आप बताने वाला हूं वही सब चैप्टर को अच्छे से बताऊंगा आपको, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा 2020 में पूछा गया बाबू। इसका ऑप्शन है जंगम, जन्म, चेतन, नश्वर। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी विलोम शब्द मैं अभी आप बताने वाला हूं इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना, आप लोग को मैं गारंटी दे रहा हूं। यही सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है यार, कैसे मैं आपको कहूं, मैं रिसर्च किया हूं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी शब्द का विलोम क्या है, 2020 में पूछा गया है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है अगस्त, विगत, पूर्वगत, निर्गत, ठीक है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है यार, सबको कमेंट बॉक्स में नहीं कहेंगे बताने के लिए, कुछ हम भी तो बताएंगे। तो देखिए आगामी मतलब आने वाला, और मतलब आने वाला, ठीक है, आगामी, तो उसका विलोम क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा विगत। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी विगत, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए 2020 में बाबू ये पूछा गया है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है दंड, अपमान, सम्मान, पारिश्रमिक, समझ गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुरस्कार का दंड। पुरस्कार हम लोग कब देते हैं, पुरस्कार बाबू हम लोग कब देते हैं किसी को, आप समझ सकते हैं जब कोई अच्छा करता है तब, और वही उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दंड होगा। दंड हम लोग कब देते हैं, जब कोई कुछ गलती कर देता है तब उसको हम दंड देते हैं, दंड देते हैं ना, तो ही पुरस्कार का क्या होगा उत्तर, दंड। आपको एकदम समझा देंगे यार, टेंशन नहीं है, जब तक बॉस बैठा है ना यहाँ पे टेंशन आपको नहीं लेना, आपका सर बैठे हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे मतलब प्यार करते हैं, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं अच्छे से और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों के लिए एकदम दिल खोल करके मेहनत कर रहा हूँ बाबू, और एकदम मेरी पूरा दृढ़ संकल्प ले चुका हूँ, आपको 90+ करवा दूंगा। अगर आप नहीं अभी तक लिए हैं दृढ़ संकल्प तो ले लीजिए, समझे ना, शशांक सर के साथ एकदम मिल के तैयारी करना है, और गुरु चेला जब मिल जाएंगे बाबू तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसके लिए सोचना नहीं है, ओके। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, ये देखिए 2020 में पूछा गया बाबू। इसका ऑप्शन है अंबर, पाताल, व्योम, गगन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पाताल, ठीक है। आकाश का क्या होगा, पाताल, ये सब तो इजी, इस समय क्या बताना है। खग, खरा का, खरा का, खरा का विलोम क्या होगा, 2019 में पूछा बाबू ये क्वेश्चन। खरा का होगा खोटा, परा, लेटा, बैठा, ये सब ऑप्शन है, तो खरा का क्या होगा ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा खोटा, ठीक है। खरा का खोटा, ठीक है, खरा मतलब शुद्ध, खोटा मतलब उसमें कुछ मिलावट है ना, बोलते हैं ना। अब देखिए ऑप्शन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदंड का विलोम क्या होगा, उदंड का ऑप्शन में इसका ऑप्शन है विनम्र, खूंखार, कठोर, कर्कश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विनम्र। उदंड, उदंड मतलब जैसे बदमाश प्रवृत्ति का, और उसी को हम लोग विनम्र कहते हैं, उसका उल्टा हो जाएगा विनम्र, मतलब विनम्र मतलब शांत एकदम अच्छा स्वभाव वाला, ठीक है। तो देखिए तो ये क्वेश्चन बाबू पूछा गया था आपका 2019 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं साकार का विलोम शब्द क्या होगा, साकार का विलोम क्या होगा 2019 में पूछा है बाबू। इसका ऑप्शन है निराकार, कुआकार, बेकार, अतिकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए निराकार। साकार मतलब जो चीज सामने से दिखता है, जिसका कुछ आकार हो, और निराकार जिसका कोई आकार नहीं हो उसको निराकार कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बाबू मैं आपको बता दे रहा हूँ, बताऊँ या नहीं, चलिए क्या मैं आपको बताऊं, रहने देता हूं, ज्यादा फिर बात करूंगा तो ऐसे ही टाइम कट जाता है, ठीक है। साकार का क्या होगा, निराकार, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज्ञात का विलोम क्या होगा, ज्ञात का विलोम क्या होगा। ज्ञात का ऑप्शन है अनजान, अज्ञात, ना समझ, बेज्ञात। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अज्ञात। ज्ञात का क्या होगा, अज्ञात। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ठीक है। अभी देखिए 18, 19, 20 का बात हो रहा है, फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे वही 2009, 14, 15 का। आपको टेंशन में सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा यार, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। मेरा वीडियो आप देख लीजिए 10 मिनट तक, बस बन जाइए 10 मिनट में आपको 3 से 4 नंबर देने की मैं गारंटी देता हूँ, और क्या करूँ आपके लिए यार। और बाद में पीडीएफ भी मैं दूंगा आपको, ठीक है, पर पीडीएफ इतना जल्दी नहीं मिलेगा, सपोर्ट थोड़ा सा करिएगा। सपोर्ट में क्या करना है, मेरा वीडियो पे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कोई, ठीक है, कैसा आपको लग रहा है, आप कितना सीख रहे हैं हमसे, सब थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लग रहा है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ट्वेल्थ क्लास के ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि सब लड़कों का कल्याण हो जाए, सबका 90+ आ जाए। यही सब सपोर्ट करना है, और क्या सपोर्ट करना है, आपसे पैसा वैसा मांग रहे हैं हम, कुछ नहीं मांग रहे हैं, समझ गए। आपके घर हम खाना पीना खाने आएंगे थोड़ी ना,
ऐसा कहीं कुछ नहीं, पर आप लोग अगर प्यार दुलार करते हैं हमसे तो कभी अगर आपके शहर में आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे, ठीक ना बाबू। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का विलोम, देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा है। निंदा का ऑप्शन है स्तुति, पूजा, प्रशंसा, आराधना। इसका सही उत्तर का ऑप्शन ए, स्तुति, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, धरती का विलोम क्या होगा। 2019 में पूछा है बाबू, धरती का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आकाश, पाताल, भूमि, कोई नहीं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन ए, धरती का आकाश होगा। नीचे है धरती और आकाश ऊपर, इसका क्या होगा आकाश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वैध का विलोम क्या होगा। वैध, ये देखिए 2019 में आया था। वैध का ऑप्शन है नवैध, अवैध, कुवैध, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवैध। वैध मतलब वैलिडिटी, वैलिडिटी कहते हैं, वैलिड को वैध कहते हैं। वैध मतलब वो वैध न मत समझना जो आयुर्वेद वाले वैध होते हैं, ठीक है, वो मत समझना। वैध मतलब वैलिड, इनवैलिड मतलब अवैध, ये कहते हैं अवैध रूप से आप गलत कर रहे हैं या अवैध काम आप कर रहे हैं, बोलते हैं कभी कभी, जो नियम के विरुद्ध जाते हैं उसको अवैध कहते हैं। आप सीधा सीधा ऐसे समझिए, ठीक ना। अब इसे मान लिया जाए बिहार में दारू बेचना मतलब शराब बेचना कानूनन अपराध है, अगर कोई बेचता है तो अवैध काम करता है, समझ गए, रूल के खिलाफ काम करता है, ठीक ना बाबू, नियम के खिलाफ काम करता है, समझ गए। और कैसे मैं समझाऊं यार आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, अनुराग का विलोम क्या होगा। 2018 में पूछा गया बाबू, अनुराग का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है राग, विराग, वैराग, प्रेम। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विराग होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग। अनुराग मतलब प्रेम करना, अनुराग का मतलब क्या हुआ, प्रेम करना। जैसे देखिए आप लोग का मुझसे अनुराग हो गया है, मतलब प्रेम मतलब वो लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं यार, मतलब एक सर के कैसे माता पिता के साथ भाई के साथ प्रेम होता है, वैसे ही आपको अपने गुरु के साथ भी प्रेम हो गया होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अनुराग कहते हैं उसको, ठीक है। और उसी का उल्टा क्या होता है, विराग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे बाबू। अच्छा आप लोग हमको इतना कहिए, आप लोग हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। हमसे प्रेम करते हैं मतलब वो वाला प्रेम नहीं, वही वाला प्रेम। कौन वाला प्रेम, मतलब हमसे आप प्यार करते हैं जी, थोड़ा कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए यार, आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए यार, देर मत कीजिएगा, ओके। बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है यार, दिल खुश हो जाता है कोई कमेंट करता है तो, समझ गए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अर्थ का, ठीक है। अर्थ का ऑप्शन है अच्छा, आदि, उदय, इति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इति। अर्थ का क्या होगा, इति होगा। इसका देखिए 2018 में पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण का विलोम क्या होगा। देखिए 2018 में यह भी पूछा है, काला, सफेद, शुक्ल, उजला। कृष्ण मतलब क्या होता है, कृष्ण मतलब होता है काला, और शुक्ल मतलब होता है गोरा पक्ष, नहीं कहते कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना, मतलब एक है पक्ष है कृष्ण और शुक्ल पक्ष, तो वही उसको क्या कहेंगे, कृष्ण का विलोम क्या होगा, शुक्ल पक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे बाबू, स्थावर का विलोम क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जंगम। स्थावर का क्या होगा, जंगम। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, नर का विपरीतार्थक शब्द क्या, विपरीतार्थक को ही विलोम कहते हैं। नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, 2018 में पूछा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नारी। नर का नारी कितना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, स्तुति का विलोम क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निंदा। स्तुति का, स्तुति मतलब बड़ाई, स्तुति मतलब बड़ाई है, बड़ाई का उल्टा क्या होगा, बुराई है, बुराई को ही निंदा कहते हैं, ठीक है। स्तुति मतलब प्रशंसा, बड़ाई, ये सब स्तुति का मतलब हुआ, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई आपका प्रशंसा कर रहा है तो कोई एक तरफ से कुछ लोग आपकी बड़ाई भी कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा मेरा क्लास, कुछ लोगों को खराब भी लगता है, समझ गए। मैं सबको खुश तो कर नहीं सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ हमारे किसी भी बच्चों को हमारा वीडियो खराब नहीं लगता, मुझे मालूम है। इसीलिए बात एक बार और कमेंट मार दीजिए कैसा लग रहा है आपको मेरा क्लास, ओके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा बाबू, संध्या का विलोम क्या है। संध्या का विलोम क्या होगा, 2018 में पूछा है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है प्रात, प्रातः, निशा, रात्रि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रातः। संध्या का प्रातः, समझ गए, संध्या मतलब शाम, शाम के समय को ही, शाम का उल्टा क्या हो जाएगा, सुबह, सुबह को प्रातः कहते हैं। कितना इजी से बता रहा हूँ यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार शब्द का विलोम क्या होगा। 2018 में पूछा है तलवार का विलोम क्या होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन है चंद्र, सायक, तुंग, प्रभा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सायक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आय शब्द का विलोम क्या होगा। आय का, इसका देखिए 2020 में पूछा है बाबू, आय का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम मतलब उल्टा व्यय हो जाएगा, मतलब आय मैंने आमदनी, व्यय मतलब खर्च, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, व्यय।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा, 2020 में पूछा गया अग्रज शब्द का विलोम क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुज। अब देखिए इस पे बात करते हैं, अग्रज जैसे मैं आप लोगों का अग्रज हूं, अग्रज मतलब बड़ा, बड़ा भाई को क्या कहते हैं अग्रज, और छोटे भाई को क्या कहते हैं अनुज। आप लोग मेरा अनुज हुए, मैं आपको अनुज कह सकता हूं, आप मुझे अग्रज कह सकते हैं, मतलब क्योंकि मैं बड़ा हूं, बड़ा को अग्रज कहा जाता है, छोटा को अनुज कहा जा सकता है। ठीक है बाबू, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है अल्पायु का, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दीर्घायु। ठीक है तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण शब्द का विलोम क्या होगा, 2020 में पूछा है गुण का, तो गुण का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोष, गुण का दोष, इतना तो इजी है। अब अगला क्वेश्चन है कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, 2020 में पूछा है, इसका सही उत्तर होगा प्राकृत। कृत्रिम का मतलब, कृत्रिम मतलब जो आदमी बनाता है, जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसको कृत्रिम कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, और उसका उल्टा क्या होगा प्राकृत। ठीक है, प्राकृत मतलब क्या हो जाएगा नेचुरल, नेचुरल मतलब जो भगवान बनाया उसको क्या कहेंगे, समझ गए। अब मैं आगे बात करता हूं, अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, 2020 में पूछा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सम्मान, अपमान का सम्मान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बात करूंगा, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आस्तिक का, आस्तिक का नास्तिक होगा। देखिए ठीक ना बाबू, 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आलसी का विलोम क्या होगा, 2019 में पूछा है आलसी का विलोम क्या होगा, ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर होगा उद्यमी। ठीक है, आलसी का क्या होगा उद्यमी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कायर का विलोम क्या होगा, 2019 में ये पूछा है कायर का विलोम क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कायर का बहादुर, कायर का बहादुर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंत। ठीक है बाबू, अब अगला क्वेश्चन में बात करेंगे अध्यम का विलोम क्या होगा, अधम, अधम का क्या होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा उत्तम। ठीक है, इस 2018 में पूछा है, ठीक ना बाबू। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, 2014 पे बात करता हूँ, 2014 में क्या पूछा गया है। देखिए इसलिए ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार प्रीवियस क्वेश्चन ही आने की संभावना, इसलिए आप लोग आराम से सुनिएगा। अरे थोड़ा सा 10-12-15 मिनट लगता है, क्या लगेगा 15 मिनट में, अगर कोई आपको 3 से 4 नंबर दिलवा देता है बाबू, यही 3-4 नंबर से क्या होता है कोई लड़का सेकेंड डिवीजन कर जाता है, कोई लड़का 80% से 78-79% पे चला आता है 4-5 नंबर से। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखें, 15 मिनट में तो आपको कोई अगर 3-4 नंबर की गारंटी दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो थोड़ा सा रुक करके आराम से देख लीजिए, और अच्छा अगर लगे, यूजफुल लगे तो सबको भेजिए यार मेरा वीडियो। ठीक है, मेरा सपोर्ट कीजिए, आप पीडीएफ वगैरह लेना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पर, ओके। हाँ, तो अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा है बाबू, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि मतलब जो पानी ज्यादा पड़ता है उसको अतिवृष्टि कहते हैं, जब पानी वर्षा ज्यादा होती है उसको अतिवृष्टि कहते हैं, और उसका उल्टा क्या होगा अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब कुछ भी पानी नहीं पड़ना उसको अनावृष्टि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2016 में देखिए पूछा बाबू, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, इसका देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा प्रतिकूल, अनुकूल का क्या होगा प्रतिकूल, इतना ही तो इजी है ये। फिर देखिए 2015 में पूछा अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, अनुराग का इसका देखिए 2015 में पूछा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विराग। अनुराग का मतलब बताए थे, अनुराग मतलब होता है प्रेम, विराग मतलब घृणा। अब मैं आगे चलता हूं, अमर का विलोम शब्द क्या होगा, 2013 में पूछा बाबू अमर शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन बी मर्त्य, मतलब अमर, अमर मतलब अमर का मृत्यु होगा, ये समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है बाबू 2011 में पूछा है आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा, आदर्श का 2011 में पूछा है, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन बी यथार्थ, आदर्श का क्या होगा यथार्थ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, 2010 में पूछा है बाबू वरदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, वरदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वरदान का अभिशाप होता है, याद रखिएगा इस बार आने की संभावना है। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से सब कुछ बता दिया हूं, अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो मेरा चैनल सबको भेजिए, समझ गए, एकदम धुआं धुआं मचा दिए, क्योंकि 90+ इस बार करवा देना है आप लोगों को, और जिसको आप भेजिएगा समझिए उसका भी 90+ होगा। बस यही 90+ का एक और कंडीशन है कि आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है, वीडियो भी देखिए और पढ़िए भी, नोट्स बनाइए, तभी आएगा 90+। ओके बाबू,